बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। चलिए जी, बात आज जरा साइबर क्राइम के हवाले से करते हैं। साइबर क्राइम आज के ज़माने में लोगों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है नाज़रीन। बिल्कुल आपको बता दें कि आज आपके फ़ोन पे कई तरीके के मैसेजेस आते हैं, कई तरीके के OTPs आते हैं, कई तरीके की लिंक्स आती हैं जिन पर आप क्लिक करते हो और आपके फ़ोन से, आपके अकाउंट से आपका पैसा लूट लिया जाता है नाज़रीन। बिल्कुल आपको बता दें कि और उसके बाद आपको यही कहा जाता है कि ये पैसा आपका वापस आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज मुबारकबाद दें कि हम गांदरबल पुलिस को और साइबर सेल गांदरबल को, जिन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और जिनको एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिन्होंने साइबर फ्रॉड करने वालों के अकाउंट्स में 6,20,000 रुपए जो है फ्रीज कर दिया है नाजिन। बिल्कुल आपको बता दें कि आपके अकाउंट से पैसा निकाला जाता है और मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है और जिसके बाद आपको कई तरीके की परेशानियों में डाला जाता है। और यही साइबर फ्रॉड करने वाले, ये फ्रॉडिस्टर जो है, इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है और साइबर सेल गांदरबल और SSP गांदरबल, जिन्हें मुबारकबाद कहेंगे कि उन्होंने 6,20,000 रुपए इन फ्रॉडिस्टर के मुख्तलिफ अकाउंट में फ्रीज कर दिए और उसके साथ साथ 39,900 रुपए एक शख्स को रिफंड भी कर दिया, यानी कि वापस भी दिला दिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कई सारे इस तरीके के स्मार्टफोन, जिनका स्मार्टफोन मिसिंग हो गया था यानी कि लॉस हो गया था, लेकिन उसके बाद इस तरह 16 स्मार्टफोन जो है उन्हें भी रिकवर किया गया है नाजिन। बिल्कुल आपको बता दें कि गांदरबल पुलिस के लिए और साइबर सेल गांदरबल के लिए मुबारकबाद है, जिन्हें ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से गांदरबल पुलिस और साइबर सेल गांदरबल के पास इस तरीके की शिकायत दर्ज हुई कि उनके साथ अलग अलग तरीके से जो है फ्रॉड किए गए हैं, लेकिन जिसके बाद ये कंप्लेन दर्ज होते ही आज ये बड़ी कामयाबी मिली। जिस बीच SSP गांदरबल श्री संदीप गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर के इसकी जानकारी दी है नाजिन। बिल्कुल आपको बता दें कि ये सारी कार्रवाई जो है, ये SSP गांदरबल ने इस पूरी कार्रवाई का श्रेय जो है, यानी कि इसका क्रेडिट जो है, वो साइबर सेल के SI गौहर साहब को दिया कि इनकी मेहनत की वजह से आज ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि यह फ्रॉड आपके साथ मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है, जिस तरीके से PDD डिपार्टमेंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर, KYC करने के नाम पर, या उसके साथ साथ कई तरीके से OTP आपसे मांगा जाता है या मुख्तलिफ तरीके के फ्रॉड लिंक आपको भेजे जाते हैं जिसमें आपको ट्रैप में फंसाया जाता है और उसके बाद आपका पैसा लूटा जाता है। लेकिन उसके बाद आपके पास एक ही रास्ता होता है यानी कि साइबर पुलिस, और आप जब पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि हम कोशिश कर सकते हैं आपका पैसा लाने की, लेकिन ये कोशिश आज रंग लाई है और जिसके बाद आज इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन उसके बाद आज हम गांदरबल पुलिस, खासकर SSP गांदरबल और साइबर सेल गांदरबल को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने आज ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन उसके साथ साथ लोगों से भी गुजारिश की है कि लोग अगर आपके साथ इस तरीके से कोई खेल करने की कोशिश करता है यानी कि आपको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, तो आप जरूर नजदीकी पुलिस थाने और साइबर सेल के पास अपनी शिकायत दर्ज कीजिएगा ताकि आपको इस ट्रैप में फंसने से पहले बचाया जा सके और आपकी भरपूर मदद की जा सके। और कहेंगे और गांदरबल की आवाम जो है, उन्हें भी गांदरबल पुलिस और गांदरबल जो साइबर सेल है, उन्हें मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि जिस तरीके से आज कई सारे लोगों को बड़ी राहत देखने को मिली है और इस तरीके के फ्रॉडिस्टर इसके बाद गांदरबल में किसी के साथ भी फ्रॉड करने से पहले 100 बार सोचेगा कि यहां पर इस तरीके से कार्रवाई होती है। अब तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।